हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही आसान से आटे का ब्रेड बनाने जा रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए मैं आपको रेसिपी दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 2 कप आटा लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें चीनी डालूँगी। 2 चम्मच मैं रिफाइंड तेल डाल रही और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। इस तरह आप मैदा का भी आप ब्रेड बना सकते हैं। ये अच्छे से मिल गया है। इधर मैंने 4 चम्मच दही लिया है। 1 गिलास पानी इसमें डालूँगी। बिल्कुल पतला घोल तैयार करूँगी। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप गुनगुना दूध से भी आटा को गूंथ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं अच्छे से इसको मिला लेती हूँ। अब इसी तरह मैं अच्छे से इसे मिलाते जाऊंगी। मुझे चिकना बिल्कुल डो तैयार करना है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं यहाँ बेकिंग पाउडर डाली हूँ। थोड़ा सा मैं यहाँ बेकिंग सोडा डाली हूँ और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर या सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ थोड़ा सा मैंने काला तिल और सफ़ेद तिल डाल रही हूँ। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसके बिना भी आप बना सकते हैं। और इसे अच्छे से मैंने मिला लिया। अब ये तैयार हो गया है। इधर मैंने 2 गिलास लिया है। थोड़ा रिफाइंड डाली और अच्छे से मैं हाथों से इसे मिला लेती हूँ। आप इस तरह कटोरी में भी आप ब्रेड को पका सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड टिन है तो आप उसमें भी आप पका सकते हैं। अच्छे से मैं थोड़ा थोड़ा मैं मैदा को डाल दे रही हूँ ताकि पकने के बाद है जो ब्रेड हमारा आसानी से निकल जाए। ऐसे मैं अच्छे से फैला लेती हूँ। अगर आप ज़्यादा मैदा डाल देते हैं तो आप उसे इस तरह फैला कर निकाल भी सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं डालते जाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरे गिलास में भी कर लूँगी। और इसे अच्छे से सेट कर लेती हूँ। इधर मैंने गैस पर कुकर रख दिया है। मैंने गैस को ऑन कर लिया है। एक मैं प्लेट डाल रही हूँ। गैस को मैंने मीडियम ही रखा है। अब मैं इसमें दोनों गिलास को डाल दे रही हूँ और ढक्कन से ढक देती हूँ। 30 मिनट तक इसे पकने देती हूँ। 30 मिनट हो गया, मैंने गैस को बंद कर दिया है। ये बिल्कुल ही पक गया है। अब मैं इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। ये बिल्कुल ही चिपक नहीं रहा, यानी पक गया। अब ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ये ठंडा हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। इस तरह करके मैं निकाल लूँगी। इसे थोड़ा सा चाकू से मैं चारों पट्टी से घुमा कर निकाल लेती हूँ। ये आसानी से निकल जाता है ठंडा होने के बाद। अब मैं चाकू से इसे काट लेती हूँ। इसे आप एयर टाइट के डब्बे में भी आप डालकर आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये हफ्ता 10 दिन तक आराम से चल जाता है। इधर मैंने 2 चम्मच मलाई ली है। हाँ, और 2 चम्मच मैं पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं ब्रेड के ऊपर डालूंगी। इस तरह खाने से दोस्तों इस ब्रेड का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है और बच्चों को तो वह काफ़ी पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।